दोस्तों वेलकम टू टेक टॉक टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों काफ़ी ऐसे बाद वीडियोस बनाने जा रहे हैं दोबारा से, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को भी चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब और इसके अलावा शेयर करना ना भूलिएगा हमारी वीडियोस को, और इस वीडियो को तो खासतौर पर लाइक कीजिएगा क्योंकि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये हमने मंगवाया है डायरेक्टली फ्रॉम अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन से जो हमारा प्रोडक्ट आया हुआ है अब इसमें देखना ही है कि हमने क्या मंगवाया, क्योंकि हम भी मंगवाते हैं, हमारे जो छोटे भाई साहब हैं वो भी मंगवाते हैं, तो डिफरेंट चीज़ें मंगवाते हैं और देखते हैं कि इस बार उन्होंने क्या मंगवाया है हमारे लिए और अपने लिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको ओपन करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा जो हमने ओपनिंग की थी स्मार्ट वॉचेस की, इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें थी जो कि हमने अमेज़ॉन से डायरेक्टली मंगवाई हुई थी। तो अब चेक करना यह है कि इसमें हमारे लिए क्या है। तो आप देख रहे हैं एक बॉक्स हमने खोल दिया, उसके अंदर एक और बॉक्स निकला है, अभी निकला है डिलीवरी बाय नेक्स्ट। अब आई डोंट नो ये क्या है डिलीवरी बाय नेक्स्ट, इसको हम दोबारा से यहाँ से ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह ही, और इसमें फिर से हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है मिस्टर वकार भाई का, मिस्टर वकार, माशाल्लाह बॉक्स तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये बबल रैप भी लगा हुआ है जो कि हमें ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद है। बहरहाल इसको हम ना छेड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, तो दो प्रोडक्ट्स मुझे नज़र आ रही हैं, एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है जो कि क्या है जनाब, ये है हमारा आईफोन केबल्स 1, 2, 3 एंड 4 केबल्स, चार केबल्स हैं इसमें, और लिखा हुआ क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें नाम लिखा हुआ है बीजिंग टान चुंगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, मॉडल नंबर है ONBH, और नेम है सीक्स इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, और ईमेल एड्रेस भी इनका दिया हुआ है, और इसके अलावा कुछ और क्यूआर कोड और बार कोड रीडर्स भी दिए। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर कैसी, सिर्फ आईफोन है या फिर इसके अलावा एंड्रॉयड या सी टाइप भी है, तो इसमें अगर इसको ओपन करते हैं तो मुझे लग रहा है सारी ही आईफोन है, लेकिन इनकी एक अच्छी बात क्या है कि इनकी लेंथ बड़ी लंबी है, ये आप देख रहे हैं, ये इसको हमने ओपन कर दिया है, ये देखें आप, ये हमारी आईफोन की केबल है और लेंथ भी इसका आपको मैं दिखा देता हूँ, बाकी सारी भी सेम ही है, तो इसका मतलब चारों के चारों जो है वो आईफोन की केबल है। ये देखें आप इसकी लंबाई, ये देखें, तो ये देखें मुझे लग रहा है 2 मीटर की ये वायर है कम से कम भी, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे वायर्स होते हैं 1 मीटर की होती है, लेकिन इसकी लंबाई उससे कदरे ज़्यादा है, तो ये जो है हमारी 2 मीटर की वायर है, तो इसे हम रख देते हैं फिलहाल साइड पर, और इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, देखते हैं ये क्या है हमारे पास। तो ये हमने बोला माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वो बात है, ये वही चीज़ है जिसका हम कुछ दिन पहले जिक्र कर रहे थे, और बहुत चाहत थी कि ये हमारे पास आए, और हमारे छोटे भाई जो हैं हमारे घर वाले वालिद साहब को हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, तो मानने को तैयार नहीं थे कि इस तरह की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। फाइनली वन एंड ओनली VR बॉक्स, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स हमारे पास आ चुका है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं VR.Picasso लिखा हुआ है, वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस लिखा हुआ है, और ग्लासेस हैं ये, ग्लास है ये, देखना भी पड़ेगा ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओपन यूर VR ऐप इनसाइड, ये फलाना मतलब ये उसके बारे में थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। यहाँ पर इसका बार कोड रीडर है, इनकेस अगर आपको ये जानना है कि ओरिजिनल है या नकली है, तो यहाँ पर आप मालूम कर सकते हैं। मेड इन चाइना लिखा हुआ है इसमें, ये इसका कलर है, इसका डिज़ाइन है, और यहाँ पर देखें आप ये लिखे हैं HD रेजिन एस्फिनिकल लेंस, डायमेंशन डायमीटर जो है इसका 40 मिलीमीटर है, फील्ड ऑफ व्यू 90 से 100 डिग्री है, और IPD एडजस्टेबल 60 से 70 मिलीमीटर है, फिक्स्ड फोकल 37.5 से 46.5 मिलीमीटर है, और कंपेटेबल वाइल ऑल स्मार्टफोन सारे मतलब एंड्रॉयड iOS एंड्रॉयड आपका एप्पल और विंडोज़ के फ़ोन सब पे चल सकता है ठीक है, और सूटेबल टू ग्लासेस वियरिंग, और ABS प्लास्टिक है इसका,
और ये आई थिंक कोई चीज़ है जो कि वज़न है शायद इसका। अब हम उसकी एक तस्वीर भी ले लेंगे वीडियो के दौरान ही, और क्योंकि ये दूसरी बार मैं देख रहा हूँ अपनी लाइफ में ये चीज़। पहली बार जब आइडियाज़ लगा था 2018 में एक्सपो सेंटर में, तो वहाँ पर मैंने ये वर्चुअल रियलिटी बॉक्स देखा था कि जिसमें उनको फ़िज़ा में लटकाया जाता था जो भी पार्टिसिपेंट होते थे, और उनको ऐसा महसूस होता था कि शायद वो हवा में फ्लाई कर रहे हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ ए पैराशूट। तो वो सीनरी इनको दिखाई जाती थी। तो उसको हमने ओपन कर लिया, और ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इसका यूज़र गाइड है, और इस पर आफ्टर सेल सर्विस भी है, आउट ऑफ वारंटी भी है, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी हैं, और इसको यूज़ करने का तरीका कार भी बताया गया है भाई, इसको किस तरह ओपन करना है, किस तरह वियर करना है, और इसको यूज़ किस तरह करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ गेम प्ले भी करना है, डाउनलोड एंड प्ले द वीडियो टेस्ट, एडजस्टमेंट फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें आप, अब ये जो है ना इसका आफ्टर सेल्स सर्विस कार्ड है या सर्विसेज, तो इसमें आपने जो सारी है ना वो फिल करके इनको भेजनी होती है। ये इसको हम रख देते हैं साइड पर। इसके बाद ये हमारे पास एक नरम मुलायम मखमल का कपड़ा आ गया, जो कि इसको साफ़ करने के लिए, इसकी ग्लासेस की स्क्रीन को साफ़ करने के लिए, अगर नॉर्मली मोबाइल वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये है हमारा मेन प्रोडक्ट जो कि है हमारा वीआर बॉक्स या वीआर ग्लासेस, वर्चुअल रियलिटी जिसको कहते हैं। इसमें भी एक तो अगेन जो है ना वो किया गया है बबल रैप के थ्रू, इसको पैक किया गया है ताकि इसकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखा जाए। तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा खासा बड़ा वीआर बॉक्स है, और ये इसकी क्लिप है, और तीन तरह से इसको क्लिप दिया गया है, यहाँ से और नीचे से। आई थिंक ये सर का एरिया होगा, और ये इसके दोनों साइडों का एरिया है, और ये इसकी आप देख रहे हैं कि शीशा ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से आप अपनी आंखों के थ्रू जो भी देखना चाहें वो देख सकते हैं। और ये जो है इसका फ्रंट का साइड है, अब ये मुझे नहीं पता कि खुलेगा क्या होगा, हम ठहरे जाहिल लोग और क्या कहते हैं पेंडू लोग, तो हमें नहीं पता कि क्या करता है, ठीक है। ये शायद यहाँ से मुझे नहीं पता क्या होगा, बहरहाल ये इसमें एडजस्टमेंट्स हैं कुछ, ये देखें जिस तरह हमारे पुराने दौर के कैमराज में होती थी कि आपने अगर जूम इन करना है जूम आउट करना है, तो ये देख रहे हैं आप, ये देखें मैं इसको यूँ कर रहा हूँ तो ये आपका जो ग्लास है ये बाहर निकल रहा है और अंदर आ रहा है, और इससे भी ये होगा सेम, यहाँ से आपको ग्लास बाहर आएगा और अंदर जाएगा, यहाँ से यूँ आपको नज़र आ जाएगा, ये देखें ये बाहर आया और ये आपका अंदर चला गया। इससे क्या कर सकते हैं, इससे आप इन दोनों को करीब और दूर कर सकते हैं, अगर किसी के आँखों का गैप थोड़ा ज़्यादा है तो वो इसको फिर यूँ दूर कर ले, और अगर किसी की छोटी छोटी आँखें हैं जो कि ख़वातीन की होती हैं नॉर्मली, तो आप इसको यूँ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स आपको तीनों किस्म की दी गई हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है वी आर पिकोसो वर्चुअल रियलिटी पिकोसो ग्लासेस, वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस ई सी रैप, मैंने फलाना फलाना लिखा हुआ है, और फलाना फलाना 102H बर्लिन जर्मनी, जर्मनी के ये ग्लासेस हैं, लेकिन बाहर तो चाइना लिखा होता है, आई डोंट नो कि ये क्या है। अब इसमें मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये काम किस तरह करेंगे, ये सिर्फ वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस को हम कनेक्ट कैसे करेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे यार, हमने देख तो लिया लेकिन इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ हाउ टू यूज़ ओपन द कवर प्लेट एज शोन इन राइट प्लेस, बट पुट योर सेल फोन इन टू द वी आर हेडसेट, मेक श्योर द सेल फोन स्क्रीन इज इन द मिडल, देन क्लोज द कवर, एडजस्ट द स्क्रीन टू द राइट। अच्छा, तो इसको जो मैंने अभी थोड़ी देर में जो इसको चलाने का तरीका सीखा है वो ये है कि यहाँ पर देखें आप ओपन योर वी आर ऐप, सबसे पहले उसके लिए एक एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, देन इसके बाद इंसर्ट योर स्मार्टफोन इनसाइड द स्लाइड। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक जगह दी हुई है, इसको हमने यहाँ से यूँ प्रेस करना है तो ये ओपन हो जाएगा, और हमने अपना स्मार्टफोन यहाँ पर प्लेस करना है, और उसका तरीकाकार भी बताया गया यहाँ पर, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एडजस्ट द प्यूपिल एंड द फोकस, जिससे अगर खैर ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसको जो रखने का तरीका है ना वो भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये देखें ये आपका मोबाइल है, आपने इसको डिफाइन करना है उसको लेफ़्ट कौन सा और राइट कौन सा, जो कि नॉर्मली हर मोबाइल का हर किसी को पता होता है, जो बैक का जो ऑप्शन होता है, ये आईफोन है जिसमें बैक का जो ऑप्शन होता है वो ये वाला डॉट होता है, तो ये आपका राइट साइड होगा और ये आपका लेफ़्ट साइड होगा, तो आपने इसको उसी तरह पुट करना है इसमें, ठीक है। और ऐप को जब डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप इस पर वीडियोस चला सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने मोबाइल को रखना है यहाँ पर, ताकि जैसे वो कंट्रोल हो जाए देन आपने इसको यहाँ से बंद कर देना है, जिस तरह ये बंद हो गया अभी यहाँ पर,
ये आपका बंद हो गया, तो उसके बाद आप अपनी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। इसको मैं पहन के भी देखता हूँ और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने अपना वीयर बॉक्स पहन लिया है और इसको इसी तरह आपने पहनने, और यहाँ से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपका मोबाइल जो है वो इसके अंदर यहाँ पर रखा हुआ होगा, थोड़ा सा वजनी लगेगा आपको, लेकिन अभी जो मैंने इसको पहना हुआ है तो इसकी वजह से जो है ना ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, और जो साइड में इसके ये रबर्स दिए गए हैं इसकी वजह से सॉफ्टनेस हमें महसूस हो रही है। तो इतना कोई आपके लिए हैवी नहीं होने वाला और बहुत ही ईजी रहने वाला ये प्रोडक्ट आज की। तो उम्मीद है कि आपको आज की प्रोडक्ट अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर इस तरह बने रहें, वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।